देश के परिवारजनों, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया और समानता की बात कही तो बहुत सोच समझ के कही थी, बहुत विचार करके कही थी। हजारों साल की यात्राएं जिस परिवारजनों ने, जिस समाज ने, जिस वर्ण ने झेला है, उस भावना को इंगित करके कही थी और आरक्षण का प्रयोजन किया था। आप देखो कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। जब से वो 20 साल से मुख्यमंत्री, आदिवासियों के जीवन स्तर में क्या अंतर आया है? कोई अंतर नहीं आया। साथियों, विषय राजनीति का नहीं है, विषय मानवता का है, विचार का है, सोच का है। और बातें मीठी करने वाले प्रधानमंत्री शहडोल में 4 दिन पहले कोल जाति को लेके कैसी कैसी बातें कह के गए। अगर वो विधायक कहता है मेरा प्रतिनिधि, इसको फांसी दो, इसने ऐसा कृत्य किया, तब जाके समझ में आता है कि बीजेपी की साफगोई है। साथियों, भूलना नहीं इस बात को कि प्रेगनेंसी टेस्ट आदिवासी बहनों के बैतूल में इसी सरकार ने कराया था, इसके अधिकारियों ने कराया था। कोई जांच नहीं हुई, किसी को किसी प्रकार का पनिशमेंट नहीं हुआ। तो ये सरकार की पूरी इस बीजेपी की सोच को बताता है, आदिवासियों के प्रति इनकी सोच क्या है। और फिर अब बार बार ये कह के कि वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, आदिवासियों को अपमानित करते हैं, उनको गालियां देते हैं, उन पर अत्याचार और अन्याचार को मोहर लगाते हैं। साथियों, बहुत दुखी मन से मेरे शिवराज सिंह जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, मानवता का है, ये सभ्यता का है। ये जो विकसित सभ्यता बनी उसमें इतना घृणित कार्य आपके ही मध्य प्रदेश में क्यों होता है? बार बार क्यों होता है? हर बार क्यों होता है? इसके लिए कभी तो आप आत्मा से स्वीकार करो कि हाँ, मेरे से पाप हो रहे हैं, मेरी सरकार से हो रहे हैं। हमेशा झूठ, पाखंड और गुमराह करने की भावना कब तक रहेगी आपकी? 20 साल का कम मुख्यमंत्री नहीं होता है। साथियों, प्रदेश के वासियों, इस घटना पे पूरा प्रदेश आंदोलित होना चाहिए। मानवता की बात है, समाज की बात भी नहीं है, जाति की बात भी नहीं है। किसी को अपराधी बताना और किसी का को आरोपी बताना और क्रिटिसिज्म के पार्ट पे हम राजनीतिक भाव लाओ, इसकी आवश्यकता नहीं है, ये मानवता की बात है। इसलिए पूरा आदिवासी समाज भी आंदोलित होना चाहिए और उसके साथ हर वर्ग आंदोलित होना चाहिए। मैं सुबह 9 बजे आदिवासी अंचल में जाके इस पूरी भावना के विरोध में बड़ा प्रदर्शन करूंगा। देवास जिले में शुरुआत करो, घर घर तक इस बात को पहुंचाओ कि मानवता के विरुद्ध कृत्य करने वाली सरकार को सबक सिखाना है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।